जब कोई व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करने पूजा में बैठता है तो उस समय चूंकि शांत वातावरण होता है तो उसका ध्यान पूजा में कम और दुनियावी बातों में ज़्यादा होने लगता है। वो कई सारी बातें उसे याद आने लगते हैं, ये काम था, वह काम था, वह मैंने नहीं किया, उसने मुझे ये बोल दिया, इस तरह की दुनिया भर की बातें उसके जहन में आती है। या जब भी कभी आदमी ध्यान में मेडिटेशन में शांत होकर बैठता है तो यह बातें आम पाई जाती हैं। हर एक व्यक्ति के मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं, ईश्वर को छोड़कर ध्यान को छोड़कर सारी बातें उसे याद आती हैं। इस पर एक कहानी है कि गुरु नानक साहिब एक गांव में ठहरे हैं तो उस गांव का नवाब मुसलमान था तो वो नाराज हो गया, क्योंकि नानक की बातें ऐसी हैं, नानक कहते हैं कि न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। तो वो नवाब नाराज हो गया और बोला कि बुलाओ उस फकीर को, कैसे कहता है, और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो वो कह सके कि न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। तो नानक आए तो उस नवाब ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम कहते हो कि न कोई धर्म है, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, कोई नहीं है। तो नानक ने कहा हाँ, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। तो उस नवाब ने पूछा कि तुम कौन हो फिर। तो नानक ने कहा मैंने तो बहुत खोजा, बहुत खोजा, चमड़ी, हड्डी, मांस, मज्जा, सब सब जगह दिमाग लगाया, मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, वहाँ तक तो मुझे नहीं लगा। लेकिन जब मैं उसके पार गया और आत्मा की खोज की तो मैंने पाया कि वहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, परमात्मा की निगाह में तो सब एक है। तो उस नवाब ने कहा तो फिर तुम हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हो, कि जब कोई हिंदू मुसलमान नहीं तो तुम मस्जिद जाने में तुम्हें इतराज नहीं होना चाहिए। तो नानक ने कहा इतराज, मैं तो पूछने ही आया था कि मस्जिद में मैं कब चलूं नमाज पढ़ने, आपको कोई इतराज तो नहीं है। नवाब थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, एक हिंदू कहे ऐसी बातें। उसने कहा इसकी परीक्षा लेनी जरूरी है। तो जब वह मस्जिद में नवाब पढ़ने के लिए जाने लगा तो नानक को भी ले गया, कहा चलो हमारे साथ ही मस्जिद में नमाज पढ़ना, बैठो। बगल में बैठा लिया। अब नवाब तो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने लगा और नानक बगल में बैठा हंसने लगा। अब नवाब को क्रोध आ गया, लेकिन नमाज पढ़ने वाले को क्रोध आना नहीं चाहिए, ऐसा विधान है कुरान में, लेकिन नमाज कोई पढ़े तब ना। उसे बड़ा क्रोध आया और क्रोध बढ़ने लगा और नानक की हंसी इधर बढ़ने लगी। अब नमाज पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो गई। तबीयत तो उस नवाब की होने लगी कि गर्दन दबा दूं इस फकीर की, लेकिन नवाब को नमाज पूरी करनी जरूरी थी, बीच में तोड़ा नहीं जा सकता नमाज को। तो जल्दी जल्दी उसने पूरी की, जैसा अधिकतर लोग करते हैं पूजा पाठ में, लोग जल्दी जल्दी करते हैं कि कोई भी शॉर्टकट मिल जाए तो जल्दी से वो पूजा निपटाएं फिर अपना दुनियावी कामों में चला जाए। लॉन्ग रूट से पूजा में शायद ही कोई किसी को समय हो कि लंबी पूजा करता हो, शॉर्टकट सबने अपनाए हुए हैं और तुरंत निकल जाते हैं, भाई पूजा हो गया, भागे, फिर लौट कर नहीं देखते। एक मजबूरी, एक काम समझकर पूजा पाठ, नमाज जो भी है, धार्मिक जो भी कार्य है, एक मजबूरी, एक काम समझकर निपटा देते हैं। तो नवाब ने भी जल्दी जल्दी नमाज पूरी की और नानक से कहा कि बड़े बेईमान निकले तुम, धोखेबाज, तुमने कहा था नमाज में साथ दूंगा, साथ न दिया। तो नानक ने कहा मैंने कहा था नमाज में साथ दूंगा, लेकिन तुमने तो नमाज पढ़ी नहीं, तो साथ किसका देता, तुम तो ना मालूम क्या क्या कर रहे थे, कभी मेरी तरफ देखते थे, कभी गुस्सा होते थे, कभी मुट्ठियां बांधते थे, कभी दांत पीसते थे,
यह कैसी नमाज थी? ऐसी नमाज तो मैं नहीं जानता, तो साथ कैसे दूं? और सच कहूं तो तुमने एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लिया, और जहां तक मैं देख पाया तुम काबुल के बाजार में घोड़े खरीद रहे थे। अब नवाब तो मुश्किल में पड़ गया कि इसे कैसे पता चल गया अंदर की बात। ये जरूर कोई बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है। उसने कहा, बात तो सही है तुम्हारी, काबुल के बाजार में घोड़े की बात तो बिल्कुल सच कहते हो। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि अच्छे घोड़े पास में नहीं है, और नमाज के वक्त फुर्सत का समय मिल जाता है, और समय तो दिन में काम में लगा रहता हूँ तो याद नहीं आता है, पर नमाज के वक्त तो बिल्कुल ही शांति मिलती है, तो मुझे फिर काबुल के घोड़ों की याद आ जाती है कि उन्हें खरीदना है और कैसे घोड़े लेने हैं। यह सब सारी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। तो उसने नानक से कहा कि भाई मुझे माफ़ करो, मैंने वास्तव में नमाज नहीं पढ़ी, मेरा ध्यान तो कहीं और था। और वह नानक के पैरों में गिर गया, बोला कि मुझे माफ़ करो भाई, मैंने बहुत ही गलती कर दी, आगे से ध्यान रखूँगा। तो नानक ने कहा कि जब आप प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इस बात का, ऐसा नहीं हो कि प्रभु को छोड़कर सभी कुछ का स्मरण आ रहा हो और प्रभु का ही स्मरण ना आए। तो यह शर्त है ध्यान की, अगर आप ध्यान पूरी करनी है तो प्रभु का ध्यान करें, नहीं तो फिर ध्यान ध्यान नहीं हुआ। हाँ, और चीज़ों का ध्यान हो सकता है, प्रभु का ध्यान करते समय आप कुछ और चीज़ सोचें तो फिर आपका जो आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो ध्यान है, आपकी जो पूजा है, वह व्यर्थ है। ऐसे पूजा करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता।